हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क क्लासेस। फिर से आज हम आपके साथ लेकर आए हैं 10 कदम सीरीज का पार्ट 18। आई होप आपके लिए काफी यूजफुल सीरीज है। बार बार हम बोलते हैं, जो लोग हमारे साथ लेट जुड़े हैं घबराइए मत, आप पीछे की वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। एक दिन में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत सारी बुक्स के मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे। हमने बहुत मेहनत करी है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन ढूंढकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को आपको स्टोर करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1, ये सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, यानी आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है। सबसे पहले देखिए, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा, राइट। अब हमें क्या लेना है, डिटरमिनेंट। तो हमने बोथ साइड डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, तो ये हो गया आपके पास डिटरमिनेंट ट्रांसपोज का और -a का डिटरमिनेंट, राइट। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट है मान लो 5, और आपने उसका ट्रांसपोज लेकर डिटरमिनेंट लिया, तो क्या उसकी वैल्यू में कोई बदलाव आता है? नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, तो जितना ए डिटरमिनेंट का होगा वही होगा। तो क्या आप इसको यहां पर ए लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। अब बारी आई -a की, ध्यान से समझिए। देखिए हमने क्या किया, यहां पर आपको दोबारा समझाते हैं। ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड कर दिया डिटरमिनेंट अप्लाई। अब क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं? बिल्कुल, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा उसका ट्रांसपोज लेने पर जो डिटरमिनेंट होता है सेम, तो इसको हमने ये मेंशन कर दिया। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम लिख रहे हैं -1 की पावर n डिटरमिनेंट। अब ये -1 की पावर n क्यों लिखा? क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा उस हिसाब से ही माइनस कॉमन लेना होगा। एक एग्जांपल के तौर पर, अगर ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की है, तो आप बताइए जो इसका डिटरमिनेंट बनेगा वो भी 2 ऑर्डर 2 का बनेगा, तो आपको -2 रोज से कॉमन लेना पड़ेगा, यानी -1 × -1, तो -1 की पावर कितनी हो गई 2, तब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये ए मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 3 की है, तब आप अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और 3 जगह से या 3 रोज से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 की पावर 3, यानी डिपेंडिंग अपॉन द मैट्रिक्स ऑर्डर इसका साइन होगा कि इस डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने लिखा -1 की पावर n। अब आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑड है, याद रखिएगा n का जो ऑर्डर है वो ऑड है, और अगर n का ऑर्डर ऑड है, यानी 1 है 1 1 ऑर्डर 1 किया है, 3 ऑर्डर 3 किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? -1 की पावर आप 1 करोगे 3 करोगे कुछ भी करोगे, ऑड नंबर करोगे, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमने क्या लिखा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए, तो ये यहां आकर प्लस हो गया, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, ये वहां जाके 0 हो गया, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई 0, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट है ना, तो हमें अब प्रॉपर्टीज तो नहीं है, तो हम इसे एक्सपैंड करेंगे, नॉर्मल तरीके से एक्सपेंशन तो है ना हमारे सिलेबस में, तो आप एक्सपैंड करिए इसको। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, 1 को हमने लिया, ये रो और ये कॉलम भूल जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस इसका, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, 1 cos θ + sin θ + sin θ cos θ एंड -1, फिर हमने ये -1 लिखा, इस रो और इस कॉलम को भूल जाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 1 cos θ माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1, फिर 1 as it is, इन दोनों को हाइड करिए, 1 - this, तो ये -1 - sin θ, तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कट गया, यहां पर 1 से -1 कट गया, यहां पर आपका कट जाएगा 1 से -1, तो ये आपके पास क्या बचा, cos θ + sin θ, sin θ cos θ, ये हो गया -cos θ और ये आ गया -sin θ। अब cos θ से cos θ कट गया, sin θ से -sin θ कट गया, राइट। अब हमें बताना है कि इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, तो देखिए हमें साइन का पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 पता होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों के लिए थीटा सेम नहीं हो सकता 1 लाने के लिए, है ना, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे 1 होता है तो कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे, क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, देखिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ ये जो है ये फॉर्मूला है किसका, 2 sin θ cos θ किसका फॉर्मूला होता है, sin 2θ का, क्लियर। अब हमें पता है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू -1, तो 1 × 1/2, यानी आपका जो डिटरमिनेंट है उसका मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, 1/2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर,
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। थ्री पॉइंट्स आपको गिवन है और आपको बताने हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, कंसाइड करते हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपने जो है चैप्टर जो डिटरमिनेंट चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो के इक्वल आ जाए तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, दैट मीन्स कोलिनियर होंगे। तो हमें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है ना। तो हमने अपना एरिया का फॉर्मूला लिखा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नाउ x1 y1 क्या हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3 हो गया। नाउ नॉर्मल जैसे आप एक्सपैंड करते हैं वैसे एक्सपैंड कर दीजिए, a प्लस फाइव एज इट इज, इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे a प्लस थ्री माइनस ए, फिर ये आ गया a माइनस फोर ब्रैकेट में, इस कॉलम और इस रो को भूल जाएंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सेम वन लिखेंगे हम, इन दोनों को भूल जाएंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब जो कटता है उसको हमने काट दिया और जो सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए ए स्क्वायर से ए कट गया, यहां से ये कट जाएगा आपका, ये इससे कट जाएगा, थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टू को इससे मल्टीप्लाई। अब यहां पर भी आप देखेंगे थ्री ए प्लस टू ए फाइव ए, फाइव ए माइनस फाइव ए कट गया आपके पास, फिफ्टीन माइनस एट सेवन बचा, और मॉडुलस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो सेवन इंटू हाफ कितना आ गया, सेवन बाई टू। क्या आपके पास ट्राइंगल का एरिया आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अगर हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ रहा है इसका मतलब ट्राइंगल फॉर्म हुआ होगा, इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर लाइन नहीं करते, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपके पास, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन करेक्ट ऑप्शन है। अब बच्चे कहते हैं मैम इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी में हमें कहा गया है क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, हो भी सकता है, वी हैव टू चेक। तो आप ये वर्टिसेस लिख लीजिए a कॉमा फाइव ए सॉरी a प्लस फाइव ए माइनस फोर ए माइनस टू ए प्लस थ्री, क्योंकि अब हमें लग रहा है b और d में से कोई भी हो सकता है ऑप्शन, और ये हमारे पास a कॉमा है। फटाफट से ना छोटा सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो a प्लस फाइव माइनस दिस अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा सेवन का स्क्वायर बचो, और दिस माइनस दिस करोगे ये भी सेवन का स्क्वायर हो गया। एक बार मैंने ac निकाल के देखा ए प्लस फाइव में से ये माइनस करूंगी, ये आ रहा है फाइव का स्क्वायर और ये आ रहा है फोर का स्क्वायर। तो आप खुद देख सकते हैं कि ए बी और ए सी की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब ये वर्टिसेस इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी नहीं है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट लग रहा है हमें, कि ये पॉइंट जो है वो एक लाइन पर लाइन नहीं करते, दैट मीन्स ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है वैल्यू ऑफ के निकालिए अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, याद रखिएगा इसको, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है इन्वर्टेबल नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, दैट मीन्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो। तो हमने इसका डिटरमिनेंट ले लिया जीरो के इक्वल। नाउ दिस इज टू के स्क्वायर माइनस थर्टी टू इक्वल जीरो, तो आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी, उस पर आप रूट चढ़ा देंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस फोर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखना या नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होती, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट है, ठीक है, बी मैट्रिक्स में बी आई जे एलिमेंट है, सी मैट्रिक्स में सी आई जे एलिमेंट है, आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ। तो बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ तीन में लगता है, और एसोसिएटिव लॉ कहता है पहले वाली दो मैट्रिक्स को प्लस कर लो और फिर थर्ड प्लस कर दो, या फिर लास्ट वाली दो को प्लस करके ये प्लस कर दो, बोथ आर इक्वल। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन 100% इनकरेक्ट हैं, क्योंकि दो में तो पहली बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, तो ये बी और सी जो है वो तो आप आग बंद करके काट सकते थे, और ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि अगर आप तीन मैट्रिक्स को प्लस करें और सब्ट्रैक्ट करें सेम आंसर तो आ ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट था। तो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी भी यही होती है, इसका मतलब ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है इफ ईच ऑफ द थर्ड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए डिटरमिनेंट कुछ भी रहा हो, ठीक है ना, अगर आप मान लीजिए उसके थर्ड रो के हर एलिमेंट को आप फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो अब ध्यान से सुनिए, ई डिटरमिनेंट में जो भी वैल्यू थी एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यूज रही होंगी, जो भी यहां पर नंबर्स थे ए बी सी, है ना, जब आपने उसे फोर से मल्टीप्लाई करा, तो अगर आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहां से क्या है, फोर कॉमन आ जाएगा आपके पास, राइट, क्लियर। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम करेक्ट करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये है इफ ईच ऑफ द थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसकी हर वैल्यू को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई कर दो, हर वैल्यू को अगर आप फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो भी यहां चल रहा है एम एन
ओ पी क्यू आर जो भी आपके पास वैल्यू चल रही थी, आपने हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने बताना है कि उस डिटरमिनेंट, जो नया डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, यहां से भी 4 कॉमन आएगा, यहां से भी 4 कॉमन आएगा, यहां से भी 4 कॉमन आएगा, तो 4 की पावर 3, और जो पुराना डिटरमिनेंट है वही एग्जैक्टली दिखेगा आपको। तो इसका मतलब 64 * ओल्ड वाला डिटरमिनेंट, ये आपके पास नए डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग एंगल क्या होगा, तो हमें इनकी स्लोप निकालनी पड़ेगी और उसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा, उसी से हमें आइडिया मिलेगा, राइट। तो चलो फटाफट से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x2, यहां पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। 3x का डेरिवेटिव 3y2 एज इट इज, 3x एज इट इज, y2 का डेरिवेटिव 2y, y का दोबारा लेंगे dy/dx, और 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास चल रहा है। हमने ये माइनस ओपन कर दिया, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों टर्म को राइट साइड पे ले गए और फिर -6y को इसके अपॉन में करा, है ना, तो ये वहां चला जाएगा -3x2 और ये +3y2 और ये आ गया। फिर हमने माइनस कॉमन लेके काट दिया, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्लोप का, फर्स्ट वाले कर्व का स्लोप आ गया m1। फिर हमने ये वाला कर्व लिया, यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। 3x2 का डेरिवेटिव 6x, y एज इट इज, 3x2 एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy/dx, y3 का डेरिवेटिव 3y2 dy/dx, और 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू दिस। इसमें से हमने dy/dx कॉमन लिया, आप देख सकते हैं 6xy को उधर लेके जाएंगे, -6xy अपॉन दिस। अगर आप m1 और m2 स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 6xy इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, और आपके पास आंसर बच रहा है -1। अगर आपके पास किन्हीं भी दो स्लोप का मल्टीपल -1 होता है, इसका मतलब वो दो कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, दैट मींस 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये फंक्शन दे रखा है और आपसे वही पूछा है कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल वही सब पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा बस चलाकी करी है, बाकी कुछ भी नहीं है। रूट के अंदर x2 है, तो रूट से बाहर ले लो भाई उसको, क्या आ गया x, तो ये कटकर कितना आ गया मेरे पास 1। तो आपको पता है x नॉट इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास आंसर पहले से ही आ गया 1, और एट x इक्वल टू 0 के लिए आ गया ये। तो लेफ्ट और राइट पर तो मेरा आंसर इक्वल आ रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट का जो आंसर है वो f ऑफ 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, और एक फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो तो वो डिफरेंशिएबल भी बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। क्यों, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 1, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है 1, लेकिन f ऑफ 0 का आंसर कितना है 0, जबकि ये तीनों इक्वल आने चाहिए अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, जो कि ये नहीं आ रहे तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, राइट। और ये भी याद रख सकते हैं आप, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपलिसिटी है आपके पास। फंक्शन हमें दे रखा है दिस वन, राइट, आपको दे रखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है और एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपका ये फंक्शन है। तो जनरली आप देखोगे जब भी मैं एक क्वेश्चन डील करती हूं तो जिसपे भी मैं चेक करना है वो लेकर उसका लेफ्ट और राइट के लिए पहले फंक्शन तैयार करती हूँ। मॉडुलस के दो फेस होते हैं, आपने जितनी बार भी हमारी वीडियो देखी होगी हमने आपको यही कहा है। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, तो वहां पे जो ये मॉडुलस होता है उसका फेस क्या हो जाता है, नेगेटिव, है ना, तो ये बन गया -x। तो ये देखिए -1/x +1/x और नेगेटिव तो चल रहा था, तो ये -1/x से कट गया। e की पावर 0, -0 कुछ नहीं होता, e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या हुआ 1। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आ गया दिस वन, राइट, और राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा। अब हम 0 के राइट में देखेंगे तो एक्स मॉडुलस का कौन सा फेस होगा, पॉजिटिव वाला, तो ये क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव एक्स। नाउ 1/x +1/x इट्स 2/x, तो ये आ गया e की पावर -2/x। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए जैसे एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, ये हमें फंक्शन दे रखा है e की पावर -x e की पावर 1/x + 1/x। अब अगर हम 0 के लेफ्ट में देखें, मैंने आपको बता रखा है मॉडुलस का जो फेस होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हो गया एक्स ई, सिर्फ मॉडुलस का फेस बदलेगा, तो ये आ गया -x + 1/x। अब ये से कट गया e की पावर 0, तो e की पावर 0 कितना होता है 1, यानी लेफ्ट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आ गया एक्स। क्लियर। ऐसे अब राइट के लिए अगर आप आओगे तो एक्स ई की पावर माइनस तो पहले लगा हुआ है, अब मॉडुलस का फेस क्या होता है राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसका फेस होता है पॉजिटिव एक्स, राइट, तो ये आपके पास आ गया एक्स ई की पावर -2/x। क्लियर। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया
एक्स ई की पावर माइनस टू अपॉन एक्स। अब बारी आई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की, तो बहुत आसान है, जिस पे चेक करना है वो वैल्यू रख दो डायरेक्ट, जीरो पे चेक करना है ना जीरो रख दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है जीरो, और यहां पे जीरो रखो तो जीरो इंटू समथिंग ये भी जीरो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है। अब क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखो बहुत शॉर्टकट मारा है, क्या करा है, जिस पे भी आपको चेक करना है फटाफट से उसकी वैल्यू डाल दो एक्स की, तो हमने यहाँ डाला जीरो तो ये जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो पुट कराइए भी जीरो आ गया। अब बारी आई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये रहा मेरे पास फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लो जरा, क्या डेरिवेटिव आएगा इसका वन, और राइट हैंड डेरिवेटिव लो जरा, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ध्यान से देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लो, एक्स का डेरिवेटिव वन ई की पावर माइनस टू एक्स एज इट इज प्लस x as it is, e की पावर माइनस टू एक्स का लोगे तो e की पावर माइनस टू अपॉन एक्स, माइनस टू अपॉन एक्स का लोगे माइनस वन अपॉन एक्स, एक और बार आ गया। तो अब देखो x से x यहां पर क्या हो गया, कट गया, f डैश x आपके पास आ गया e की पावर माइनस टू अपॉन एक्स प्लस ये आपके पास आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस टू अपॉन एक्स, ये कट जाएगा और आपका राइट एंड डेरिवेटिव आ रहा है जीरो। तो अगर आपका राइट एंड डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और लेफ्ट एंड डेरिवेटिव वन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक बार दोबारा दिखा रही हूं मैं आपको डेरिवेटिव्स, लिमिट तो बहुत आसान था। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव लीजिए कितना आ गया वन, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में हमने क्या करा, जो हमें फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है हमें, एक्स ई की पावर माइनस टू अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव लीजिए, प्रोडक्ट टू लगेगा आपके पास, एक्स का डेरिवेटिव वन e की पावर माइनस टू बाई एक्स एज इट इज, नाउ एक्स एज इट इज, सॉरी एक्स एज इट इज, e की पावर माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव पहले e की पावर माइनस टू एक्स, फिर इसका दोबारा लेंगे तो माइनस, सॉरी देखिए डियर एक बार मैं इसको और क्लैरिटी से बताती हूँ आपको, हमें लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन दे रखा है ये, हमने इसका डेरिवेटिव लिया वन, ठीक है ना, अब हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स का डेरिवेटिव वन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज, एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव की पावर एक्स, फिर आप इसका दोबारा लेंगे तो ध्यान से माइनस टू एज इट इज, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया टू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स एक एक्स कट जाएगा। अब जो मैं आगे करूंगी उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमने इस नेगेटिव जो पावर थी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, यहां पर भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, एक्स आपका अप्रोच कर रहा है जीरो से, हमने यहाँ जीरो रखना है, यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट आ गया था हमारे पास, यहां पर हमें रखना पड़ेगा, तो हमने एक्स को जीरो रखा, टू अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी, सेम यहां पर आएगा ई की पावर इन्फिनिटी इंटू जीरो, या आप ये कह सकते हैं वन अपॉन जो भी है, ये ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के, नाउ वन अपॉन इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है जीरो, सेम यहां पर रूल रहेगा वन अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, यहां पर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वन और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है जीरो, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेन्यूज दिस, तो आपको मैक्सिमम दिखते ही पता लग जाना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने ट्रायंगल बनाया उसका हाइपोटेन्यूज आपको एच दे रखा है और आपसे कहा है उसका एरिया मैक्सिमाइज करिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्लियर। अब हमें इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना होता है, उसके लिए हमें गिवन का इस्तेमाल करना है, तो गिवन में उसने आपको हाइपोटेन्यूज दिया था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो हमने यहां पर रिप्लेस कर दी। नाउ सिंपल है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाफ एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज आपके पास, और रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, और जिसने एक्स की जगह लिया उसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, राइट। ये टू से ये टू कट जाएगा आपके पास, एक्स और एक्स हो गए आपके पास एक्स स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, हाफ वहां जाकर क्या हो गया जीरो, ये वाली जो चीज हम राइट साइड पे ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वहां जाकर हो गया डबल एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई, एच स्क्वायर अपॉन टू, एच स्क्वायर अपॉन टू और उसका स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एच अपॉन रूट टू। अब देखिए हमें यह मैक्सिमाइज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वन मार्कर क्वेश्चन है, हमें पता है सेकंड डेरिवेटिव यहां पर नेगेटिव ही आएगा, क्यों, बिकॉज हमें एरिया का आंसर दे रखा है और हमारे पास एक ही x की वैल्यू आई है और तो कोई x की वैल्यू आई नहीं है, यानी इसी पर ही एरिया मैक्सिमाइज होगा, तो आपके पास जैसे ही x आ गया अब फटाफट से एरिया में पुट कर दीजिए, ये जो एरिया आपको गिवन है, तो देखिए ये मुझे एरिया गिवन था, इसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी h अपॉन रूट टू, यहां पर भी आपने h अपॉन रूट टू पुट करी, एच स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, 2
टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन टू जिसको हमने निकाल लिया एच रूट टू, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया एच स्क्वायर अपॉन फोर, यानी यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लग रही हूं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिस भी तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं फीडबैक दीजिए, और अपना कीमती समय निकालकर अगर वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।